Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. Yo, what is up, guys? Welcome back to a new video. तो जब से COVID-19 या कोरोना वायरस है तब से एक सामान बहुत ही essential है, वो है webcam. मतलब सब कुछ ही ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन क्लास, मीटिंग्स, वर्क फ्रॉम होम, मतलब हजारों चीजें. अब क्या ऑनलाइन नहीं होता, तो आप लोगों को पता ही है webcam अब कितना essential हो चुका है. मतलब हर काम में webcam तो चाहिए. तो webcam की मार्केट शुरू होती है अराउंड 1000 rupees से और चली जाती है 10,000, 15,000, 20,000, उसका कोई एंड नहीं है, ठीक है. कितने लोग तो DSLR को भी यूज़ करते हैं. बट मैं आज आपके लिए एक बजट वेबकैम लाया हूँ, जो कि आती है Lenovo की तरफ से, और इसे लॉन्च हुए में भी ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब 2 महीने जितने हुए, और इसके रिव्यूज़ भी आपको काफ़ी कम मिलेंगे. ये एक नया प्रोडक्ट है बेसिकली, अमेजोन में तो इसके ठीक ठाक रिव्यूज़ हैं, मतलब अराउंड 100 है, जो कि एक वेबकैम के हिसाब से कम है. बट यूट्यूब में इसके रिव्यूज़ उतने भी नहीं है, 1-2 वीडियो होंगे मैक्सिमम. और हाँ, मैं भी उनमें से एक हूँ जो ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत कम लोग हैं जो इस पर बना रहे हैं. तो हाँ, ये वेबकैम Lenovo की तरफ से आता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, और इसका कॉस्ट अराउंड 2600 से 3000 के बीच में आता है. वो वैरी करता है आप किस साइट से लेते हो. मैंने अमेजोन से परचेज़ किया तो मुझे ये अराउंड 2500 जितने का पड़ा था. अब आप अगर कहीं और से लेते हो तो आपको ज़्यादा भी पड़ सकता है, कम भी, तो वो आप लोग देख लेना. वैसे मैं इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो ये जो वेबकैम है ये 1080p HD वेबकैम है, 1080p 30 FPS, मतलब उससे ज़्यादा इस रेंज में आप मत एक्सपेक्ट करो, कोई ब्रांड नहीं देता. इनफैक्ट एक कैमरा आता है Logitech की तरफ से, जो कि ऑलमोस्ट 2500 या 2000 का है. वो इसका बहुत ही अच्छा कंपटीटर है. उसके रिव्यूज़ में जाओगे तो वो एक तो बहुत 6-7 साल पुराना वेबकैम है, और उसके रिव्यूज़ भी 3-4 हज़ार अराउंड है अमेजोन में. तो वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का वेबकैम है, क्योंकि वो पुराना इसलिए उसके रिव्यूज़ है. बट मैं आपको बता रहा हूँ, नो डाउट इसकी जो क्वालिटी है वो उसमें आपको नहीं मिल सकती. भाई अगर ये ऐसे 2 महीने हुए और वो 6 साल पुराना वेबकैम है, तो उसमें ऐसी क्वालिटी कैसे हो सकती है. हाँ, उसका कॉस्ट भी थोड़ा कम है, और अगर आपका बजट और कम है तो आप उसके साथ भी जा सकते हो. बट अगर आप ले ही रहे हो तो यही वेबकैम बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि एक HD वेबकैम है. लाइव स्ट्रीमिंग में आप इसे यूज़ कर सकते हो, जो लोग गेमिंग करते हो, और भी हर जगह, मतलब ऑनलाइन क्लासेस हो गए वगैरह वगैरह. तो बेसिकली ये वेबकैम अराउंड 2-3 मेगापिक्सल्स का है. वेबकैम्स जनरली इतने ही कम मेगापिक्सल के होते हैं, ये फ़ोन की तरह 48-64 मेगापिक्सल्स के नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी मतलब कैमरा बहुत ही पिक्सेलेटेड टाइप की होती है. सो हाँ, नाउ लेट्स डू इट्स अनबॉक्सिंग, और देखते हैं कि आपको क्या 2500 में ये बेस्ट वेबकैम मिलता है, या फिर और इससे कोई बेटर भी है. सो गाइज, इसका अनबॉक्सिंग मतलब काफ़ी सिंपल सा है. बस यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है जिसमें Lenovo की ब्रांडिंग है, पीछे कुछ डिटेल्स मेंशन किए गए हैं, और इसकी MRP है 5310, बट एक्चुअली आपको ये अमेजोन में 2600 से 3000 के बीच में मिल जाएगी. तो पहले तो आपको ये सील ओपन करना है, तो मैंने अपना नाइफ ले लिया है. सो सील मैंने ओपन कर लिया है, तो देखते हैं क्या निकलता है अंदर से. सो दिस इज़ द कैमरा, जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, मतलब जैसा आपको पिक्चर्स में दिखता है वैसा नहीं है. और आपको वैसे कैमरा को अभी साइड में रखते हैं, और बॉक्स में कुछ कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, एंड नो पेपर वर्क इज़ गिवन. तो इसको तो हमें पढ़ना नहीं, मैं बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ. वैसे पेपर वर्क कुछ है नहीं, वही लिखा है कि कनेक्ट कैसे करना है. सो इसको साइड में रखते हैं, और बॉक्स में भी कुछ और भी पेपर वर्क्स है, तो इन्हें हम लोग अभी छोड़ देते हैं, वारंटी वगैरह है, तो बॉक्स को भी साइड में रखते हैं. सो मेन कैमरा ये है. तो कैमरा का वेट मुझे काफ़ी हैवी लग रहा है, मतलब वायर्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. सो अब हम लोग इस सील को ओपन करते हैं. सो ये रहा, ये है हमारा कैमरा, कुछ ऐसा दिखता है. सो यहाँ पे एक Lenovo की तरफ से आता है प्राइवेसी शटर, जिसे ऐसे यूज़ करते हैं, लाइक मतलब आपको अगर अपने कंप्यूटर पे भरोसा नहीं है तो आप इसको बस ऐसे कर दो, तब कैमरा अंधा है, कुछ भी नहीं देख सकता. तो ये इसके स्टीरियो माइक्स है, जिनकी क्वालिटी भी हम लोग अभी टेस्ट करने वाले हैं.
तो ये काफ़ी अच्छे मटेरियल का लग रहा है, सिल्वर फिनिशिंग है, और वैसे मैं बताऊँ तो कॉस्ट के हिसाब से इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे आपको रबड़ भी मिल जाता है, सो दैट अगर आप इसे अपने पीसी में कुछ ऐसे अटैच करते हो, ये हो गया आपका मॉनिटर, तो ये ग्रिप मतलब ये फिसलेगा नहीं और एकदम स्टेबल रहेगा। तो ये है मेन कैमरा, आप देख सकते हैं, ये है इसकी लेंसेज और ये अटैच करने के लिए, और ये है वायर, वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बस, पर इसमें गोल्ड प्लेटेड वायर आपको नहीं मिल रहा है। तो अब हम लोग इसकी क्वालिटी पीसी में चेक करते हैं कि कैसी होने वाली है, सो लेट्स चेक। तो गाइज अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो अभी मतलब आप जो फुटेज देख रहे हो ये इससे ही रिकॉर्डेड है, तो मैं जैसा स्क्रीन में देख रहा हूँ ये लाइट को उतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा, मतलब आप देख रहे हो कि वाइटिश हो गया, पीछे एक ट्यूबलाइट लगा है, वैसे वही उसी की बात हो रही है। मैंने साइड में अपने एक रिंग लाइट भी लगा रखा है, तो बेसिकली मेन लाइटिंग का ही फंडा है, अगर आप अच्छे से लाइटिंग देते हो कैमरा को तो क्वालिटी इससे भी बेटर आ सकती है, और अगर लाइटिंग ख़राब हो गई ना तो क्वालिटी एकदम माइनस में चली जाएगी। बट ये जो क्वालिटी अभी मुझे मिल रही है करेंटली, ये आई थिंक इनफ है स्ट्रीमिंग वगैरह करने में, क्योंकि जब आप स्ट्रीमिंग में आप इतने बड़ा तो दिखाते नहीं हो अपने स्ट्रीम में, आप छोटा सा कर देते हो और फिर गेम खेलते हो, तो जब आप छोटा कर देते हो वेबकैम का पोर्शन तो वो और क्लियर बन जाता है। तो आप देख सकते हो कलर्स वगैरह एकदम एक्यूरेट ही दिखा रहा है और शार्प भी है, सो इस रेंज के हिसाब से आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी आई कैन एक्सपेक्ट। मेरे पास लॉजिकटेक का पुराना वाला वेबकैम भी था C270, बट भाई उसकी क्वालिटी मत पूछो, मैंने अपने चैनल में एक दो स्ट्रीम्स उसके ही थ्रू किए, भाई बहुत डल क्वालिटी है उसकी, बट ये बहुत लाख गुना बेटर है, इससे आप देख ही सकते हो। सो गाइज नाउ लेट्स एंड द वीडियो हेयर ओनली, आज इसी कैमरा से वीडियो एंड करते हैं। सो अगर अब आप मुझसे पूछना चाहते हो कि क्या हमें 3000 रुपीज़ इस कैमरा पे इन्वेस्ट करना चाहिए, सो आई वुड से इट्स डेफिनेटली वर्थ इट, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है ना वो आपको नहीं मिल सकता मतलब इस रेंज के वेबकैम में, आप मिनिमम 7000 का वेबकैम लोगे तब जाके आपको ऐसा क्वालिटी मिलेगा। और लॉजिकटेक की तो भाई बात ही मत करो, नई कैमरा जो है वो C922 Pro जो कि 10000 का आता है उसकी क्वालिटी अच्छी है, बट उससे और जो अभी आप ऑडियो सुन रहे हो ये भी इसी माइक के थ्रू रिकॉर्डेड है, तो काफ़ी अच्छा नॉइस कैंसिलेशन वगैरह है इसके माइक्रोफोन में, दो स्टीरियो माइक्रोफोन्स है। तो हाँ इन दी एंड में यही कहना चाहूँगा, अगर आपका रेंज 3000 तक है बजट आपका और आप भी एक वेबकैम लेना चाहते हो, क्योंकि पता ही है भाई सब कुछ ऑनलाइन होता है, सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेबकैम्स अवेलेबल इन द मार्केट। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस वेबकैम आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और एफिलिएट लिंक नहीं दूंगा, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।